बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्मो अमीर ने जापान के शहनशाह और वजीर आजम को जापान के एक साबिक वजीर आजम के इंतकाल पर ताजियत के बरकी पैगाम इरसाल किए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कल तुर्की के सदर के साथ मुलाकात की और उन्हें साहिब इस्मो अमीर की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1720 मरीजों के सेहत याब हो जाने के बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 253,413 हो गई है। और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान के सन 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, इससे पहले कि तेहरान की पेशरफ्त को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाए। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जापान के शहनशाह नेरो इटो और वजीर आजम फोमियो किशादा को जापान के साबिक वजीर आजम तोशिकी कैफो के इंतकाल पर ताजियत के बरकी पैगाम इरसाल किए हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी जापान के शहनशाह और वजीर आजम के नाम ताजियत के बरकी पैगाम रवाना किए हैं। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने जापान के वजीर आजम फ्यूमियो किशादा को इस मौके पर ताजियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने जो इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं कल तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में उन्होंने सदर उर्दवान को साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया, जिसमें सदर उर्दवान की सेहत व तंदुरुस्ती और तुर्की के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। जवाब में तुर्की के सदर ने भी वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी से कहा कि वो वतन वापस लौटने पर उनकी जानिब से साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दें, जिसमें साहिब इस्मो अमीर की सेहत व सलामती और कतर के आवाम की मजीद तरक्की और कामरानी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया गया है। मजकूरा मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। इसके अलावा खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वजारत सकाफत ने 31वें दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में अपने पवेलियन में मुख्तलिफ पब्लिकेशन लॉन्च की हैं। नॉलेज इज लाइट यानी इल्म रोशनी है के स्लोगन के तहत मुनक़द किए गए इस किताब मेले में कतरी अरबी और इंटरनेशनल पब्लिशर्स की जदीद तरीन किताबें और मतबूआत रखी गई हैं। वजारत सकाफत में इशात और तर्जुमा के शोबे के डायरेक्टर मोहम्मद हसन अल-कुआरी ने बताया है कि वजारत सकाफत में किताबों का मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा किया जाता है, जिनमें अंग्रेजी, हस्पानवी, तुर्की और फ्रांसीसी जुबानें शामिल हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,123 नए केसेज रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 3,683 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है, जबकि 440 केसेज का ताल्लुक उन मुसाफिरों से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं। इसी दौरान में वजारत सेहत ने वायरस के मजीद 1720 मरीजों के सेहत याब होने की भी तस्दीक की है, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमू तादाद अब 253,413 हो गई है। दरियासना मुतलका अथॉरिटीज ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने की पादाश में 1,149 अफराद को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इनमें से 603 अफराद को पब्लिक प्लेसेस पर मास्क न पहनने पर, 532 अफराद को सेफ डिस्टेंस यानी महफूज फासला न रखने पर और 14 अशखास को अपने सेलफोन में एतराज ऐप डाउनलोड न करने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। मुतल्लिका अथॉरिटीज ने आवाम से अपील की है कि वह अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर संजीदगी से अमल करें।
वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि कतर की टोटल आबादी के 86.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि वायरस से निपटने के सिलसिले में मौजूदा मरहला इंतहाई खतरनाक मरहला है, इसलिए वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवाने के अहल तमाम लोगों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। वजारत सेहत ने जोर देते हुए कहा है कि जिस फर्द को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका हो तो उसके लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बूस्टर डोज वायरस और इसके असरात से बचाने में बहुत मौसर और अहम साबित हुई है। वजारत सेहत में वैक्सीनेशन के शोबे का कहना है कि बूस्टर डोज लगवाने वालों की तादाद अब 6,65,000 से तजावज कर गई है और इस डोज के कोई भी काबिल जिक्र साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। ये खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। अमरीका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के सन 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, इससे पहले कि तेहरान की पेशरफ्त को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाए। उन्होंने ये बात कल वियना में 2015 के जौहरी मुआहदे के दूसरे दस्तखत कुनिंदगान और तेहरान के दरमियान मुजाकरात के दौरान कही। याद रहे कि अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2018 में यकतरफा तौर पर जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अमरीका बिलवास्ता तौर पर इन मुजाकरात में हिस्सा ले रहा है। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि वक्त बहुत कम है और ईरान उस मकाम के करीब से करीब तर होता जा रहा है जहां वो जौहरी हथियार बनाने के लिए इंतहाई मुख्तसर अरसे में वाफिर मवाद तैयार कर सकता है। सन 2015 के जौहरी मुआहदे में ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले में उस पर आयद करदा बैन अल-अक़वामी पाबंदियों में रिलीफ की अशद जरूरत थी। अमरीका के साबिक सदर ट्रंप ने मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा है कि इराक में सफारतखानों और सफारती मिशन्स को मिसाइलों से निशाना बनाना असल में इराक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। याद रहे कि गुज़श्ता जुमेरात के रोज इराक के दारुलहुकूमत बगदाद के मजबूत ग्रीन जोन पर जहां अमरीकी सफारतखाना है मुतअद्दिद मिसाइल गिरने से एक खातून और एक बच्चा जख्मी हो गए थे। यूनिस में पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन, लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। मुजाहिदीन कोविड 19 की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क के सदर के खिलाफ जुलूस निकालने के लिए बस्ती त्यूनिस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वाज रहे कि हिजब इख्तलाफ की जमातें त्यूनिस के सदर कैस सईद की जानिब से पार्लियामेंट की मुअत्तली, एग्जीक्यूटिव पावर संभालने और मुल्क के आइन को दोबारा लिखने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों मुल्कों के मार्बेल तमाम शोबों में तआवुन को फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने उन इकदाम का भी जायजा लिया जो दो तरफा शराकतदारी को आगे बढ़ा सके, खासतौर पर दिफाई सरतों और तजारती शोबों में। इसके अलावा ताजा तरीन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर कई अमूर भी जेर बहस आए। शिमाली कोरिया ने एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो एटमी वॉरहेड ले जा सकता है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान प्योंगयांग की जानिब से किया जाने वाला यह तीसरा तजुर्बा है। चुनाचे इस सूरतयाल के पेश नजर मुखालफीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि शिमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी जाएं। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतरी ड्राइवर नासिर साले अलतिया ने कल सऊदी अरब के शहर जद्दा में डकार रैली जीत ली है। सन 2011, 2015 और 2019 के डकार रैली चैंपियन नासिर साले अलतिया फ्रांस के 9 बार के आलमी रैली चैंपियन सेबिस्तियन लियोप से 27 मिनट 46 सेकंड आगे थे। नासिर साले अलतिया वो पहले अरबी रैली चैंपियन हैं जिन्होंने सऊदी अरब के सहरा में होने वाली यह रैली जीती है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में कल सेनेगाल और गिनी की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया था वो ड्रॉ हो गया, कोई भी टीम गोल न कर सकी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार सुन लीजिए।
साहिब मुआवीद ने जापान के शहनशाह और वजीर आजम को जापान के एक साबिक वजीर आजम के इंतकाल पर ताजियत के बरकी पैगाम इरसाल किए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कल तुर्की के सदर के साथ मुलाकात की। उन्होंने साहिब मुआवीद की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1720 मरीजों के सेहतयाब हो जाने के बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमू तादाद अब 2,53,413 हो गई है। और अमरीका के वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान के सन 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, इससे पहले कि तेहरान की पेशरफ्त को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाए। रेडियो कतर से खबरों का आज का पहला बुलेटिन खत्म हुआ। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर, आप देख रहे थे कतर न्यूज टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टेम 24 बार 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।